आज का विषय रहेगा संसार, फिर होगा दूसरा आधार व्यवहारिक के बाद धार्मिक जीवन में। हम सबका एक धार्मिक जीवन है और इसी ग्रंथ में एक जगह लिखा है कि तीन जगह मनुष्य के धार्मिक जीवन में तीन जगह शक्ति का संचय होता है, तीन जगह होता है, शरीर में, मन में और वाणी में। ये शक्ति की कथा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा दूसरा आधार है, क्योंकि हम जिस शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं, पहला धार्मिक, पहला व्यवहारिक हरिओम, दूसरा धार्मिक और तीसरा होगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर में सात चक्र हैं भीतर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, यहाँ शक्ति का उपयोग। तो प्रतिदिन हम तीन आधार पर कथा सुनने वाले हैं और सारी कथाएं इसमें आ जाएंगी। आज पहला हमारा आधार क्या है? व्यवहारिक। फिर थोड़ी देर बाद धार्मिक आएगा, फिर आध्यात्मिक आएगा, समाप्त होते होते। अच्छा, व्यवहार भी सात क्षेत्रों में बटाए, तो आज का सूत्र है संसार, कल आएगा संपत्ति, फिर संबंध, फिर संतान, फिर स्वास्थ्य, फिर समय और उसके बाद साधना। तो चलिए आज जिसको हम संसार कहते हैं उसकी बात करेंगे। व्यवहारिक क्षेत्र, हम सबका एक संसार है ना, है अपनी अपनी दुनिया सबने बना रखी है, और जब अपनी बन जाती तो दूसरे की दुनिया में घुसने की तैयारी करते हैं कुछ जो ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं। फिर लोग कहते हैं तुम्हारी तो संभालो, क्यों इधर उधर भाग रहे हो। है, सबका संसार है, इसको चराचर भी कहते हैं, संसार को जगत भी कहा गया है, इसी को दुनिया कहा गया है, इसी को उर्दू में जहां कहा गया है, इसी को त्रिलोक कहा गया है, विद्वानों ने इसी को त्रिभुवन कहा है, महात्माओं ने इसी संसार को भवसागर कहा है। और सीधी सीधी बात कहें तो संसार का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान, बस इस तीन में उलझ गए लोग, यही तो संसार है। अब इसमें शक्ति का उपयोग कैसे करना है, सफलता, उन्नति, संघर्ष, ये सब संसार के भाग हैं। स्पर्धा, कश्मकश, जद्दोजहद लगे हुए हैं सब इसी में, यही दुनिया है भैया, सुबह से शाम इसी में हो जाती है। तो इसमें शक्ति का सदुपयोग देखना है। फिर धार्मिक में बता ही चुका हूं कि शरीर, मन और वाणी, यहां भी शक्ति आती है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे शरीर में शक्ति का सदुपयोग होता है ना, तो संयम जीवन में उतरता है, ब्रह्मचर्य। जब हमारे जीवन में शक्ति का सही उपयोग शरीर में होता है तो हम सात्विक हो जाते हैं, हमारा आहार नियंत्रित हो जाता है, हम नियमित जीवन जीते हैं, हमारा परिश्रम सही होता है, हम ठीक से सेवा करते हैं, ये शरीर में उतरा शक्ति। ऐसे ही मन में यदि शक्ति का उपयोग हो जाए तो विवेक जागता है, वैराग्य जागता है, सौम्यता, प्रसन्नता, संतोष, सफलता, निराभिमानता, इस सब में मनुष्य मन को नियंत्रित रखता है यदि शक्ति का उपयोग मन में ठीक से हो जाए। और धार्मिक क्षेत्र में शक्ति इस शास्त्र के अनुसार वाणी में भी आती है, वाणी से बहुत शक्ति बचाई भी जा सकती है और खर्च भी की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कम बोलो, जिनको भक्ति करना उनको कम बोलना चाहिए। हम लोग कितना बोलते हैं, बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए और बोलना हमारी आदत हो जाता है। तो याद रखिए, वाणी में देवी भागवत के अनुसार शक्ति है,